टीम इंडिया के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वेस्टइंडीज ने फ्लोरिडा में 5वें T20 में भारत को 8 विकेट से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर लिया है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैच गवा दिए थे, उसके बाद लगातार 2 मैच जीतकर सीरीज बराबर की थी। ऐसे में सीरीज का आखिरी मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा था, लेकिन भारतीय टीम ने सीरीज जीतने का मौका भी गवा दिया। इस हार के साथ टीम इंडिया की सालों की मेहनत पर पानी भी फिर गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ ये T20 सीरीज गवाने के बाद टीम इंडिया का सालों पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कभी 3 मैचों की T20 सीरीज भी नहीं हारी थी, लेकिन इस बार 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। 4 बार दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज हुई है और सभी में इंडिया जीता है। वहीं 5 मैचों की सीरीज इससे पहले केवल 1 बार ही खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 4-1 से अपने नाम की थी। इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 17 सालों में कम से कम 3 मैचों की किसी भी सीरीज में हार नहीं झेली थी। टीम इंडिया का 25 महीने से T20 सीरीज ना हारने का रिकॉर्ड भी टूट गया है। इससे पहले साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने 1-2 से सीरीज गवाई थी। वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। यह पहला मौका है जब टीम इंडिया ने किसी T20 सीरीज में 3 मैच गवाए हैं। इस हार के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की सीरीज जीत का भी सिलसिला टूट गया है। इससे पहले वेस्टइंडीज आखिरी बार भारतीय टीम के खिलाफ साल 2017 में T20 सीरीज जीती थी। उसके बाद भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज कभी T20 सीरीज नहीं जीत पाई थी। इस सीरीज में वेस्टइंडीज ने भारत को 1-0 से हराया था, जिसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को लगातार 5 T20 सीरीज में शिकस्त दी थी। क्रिकेट की टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।